लाइव में आप सभी का स्वागत है। नदी में डूबने से पुलचूर के युवक की मृत्यु। आमगांव गोंदिया मार्ग पर पांगोली नदी में नितिन जयवाल इस 23 साल के युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। यह युवक मित्रों के साथ पार्टी मनाने के लिए गया था। घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल की टीम ने नदी में खोज अभियान शुरू किया और कुछ देर बाद नितिन जयवाल का शव निकाल लिया। पति ने की पत्नी की बेरे में से पिटाई। बोरी गांव में शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर लहूलुहान कर दिया। आरोपी तुमसर तहसील के बोरी निवासी भक्तपाल राउत है। पति पत्नी के वाद विवाद होने से वे कुछ दिनों से एक दूसरे से अलग रहते थे। शनिवार को भक्तपाल शराब के नशे में आया तो पड़ोस में रहने वाली उसकी पत्नी के साथ अनबन हुई। इस बीच गुस्से में भक्तपाल ने अपनी पत्नी पर डंडे से वार कर लहूलुहान किया। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज की। यातायात विभाग में हजारों का जुर्माना वसूला। गोंदिया जिला यातायात शहर शाखा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। रामनगर थाना अंतर्गत चौपन मामले दर्ज कर लगभग 12,000 रुपए जुर्माना वसूला गया, जिसमें वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले 4 वाहन चालक, दुपहिया ट्रिपल सीट चलाने वाले 14 वाहन चालक, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने वाले 28 वाहन चालक, बिना सीट बेल्ट के 2 वाहन चालक पर अन्य 6 मामले दर्ज कर जुर्माना वसूला गया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।